नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। अभी हम धमना में वार्ड संख्या 9 में, जहां कल एक मात्र 1.5 फीट जमीन की खातिर, ये 1.5 फीट की गली में अपने सहयोगी से चाहूंगा आपको दिखाएं, इस 1.5 फीट गली की खातिर राजकुमार ठाकुर और रंजीत ठाकुर में दोनों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि दोनों गोतिया नहीं है, सिर्फ एक जातीय बंधन है। ये 1.5 फीट की गली में राजकुमार ठाकुर पटरा ला रहे थे क्योंकि इनका घर चल रहा पीछे। रंजीत ठाकुर ने, जैसा ये लोग बता पा रहे हैं, कि मना किया कि ये मेरी ज़मीन है, मेरी गली, जबकि यहाँ देख सकते हैं छत निकली हुई है बहुत पहले से। अगर इनकी ज़मीन होती तो ये छत नहीं निकलती। चलो, छत निकल भी गई। इस 1.5 फीट की खातिर कल जानलेवा हमला करने का क्या मतलब? पटरा लेकर निकला, कितनी देर लगता उनको? 1 घंटा 2 घंटा, दिन भर काम करता। फिर क्या चाहे गली जिनकी भी होती, गली गली रह जाती, लेकिन यदि किन्हीं की मौत हो जाती तो क्या होता? जिस तरह से रंजीत यादव की तरफ से भी, रंजीत ठाकुर की तरफ से कई लोग घायल हैं और राजकुमार ठाकुर की तरफ से कई लोग घायल हैं। हालांकि मामला झाझा थाने में दर्ज किया गया है, काउंटर केस हुआ है। विजय कुमार जो वहाँ हैं अभी, उन्होंने ज्ञान भारती मैडम को केस दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञान भारती मैडम इस केस को कितना अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाती। हालांकि वो एक काबिल अफसर है, लेकिन फिर भी हम कई बार अपने खबरों के माध्यम से लोगों को आह्वान करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, ज़मीनें यहीं रहेंगी। अगर झगड़ा में, गुस्सा में किसी को मार देते हैं, वो जान तो चली जाएगी, वो बंदा फिर वापस नहीं आएगा, फिर आप केस मुकदमा में उलझोगे से अलग। हालांकि विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया, लेकिन यह सिर पर सिर्फ मामला 1.5 फीट गली का है। देखिएगा संजय शर्मा के साथ धमना वार्ड संख्या 9 से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नाम बोलो। रोशन कुमार। क्या हुआ था? गली से पटरा लेकर आ रहे थे, वो लोग आया, मना किया कि नहीं जाने देंगे, ये गली मेरा है। हम लोग मना किए तो वो लोग मारना पीटना शुरू कर दिए। कौन सी गली तुम्हारी है? कौन सी गली उसकी है? कौन किस गली पर विवाद हो रहा है? गली सामने से है सर, 1.5 फीट का गली है, वो लोग अपना घर बना चुका है, गली मेरा है, हमारा छज्जा भी उसमें है। ये गली किसकी है? मेरा है। तो वो लोग विवाद क्यों कर रहे हैं? वो लोग झूठे कहता है मेरा है, जबकि गाँव वाला लोग पंचायत कर दिया है कि छज्जा से इधर आप लोग रहिए और उधर वो लोग रहेंगे। मारपीट किसने किसने की? संतोष कुमार ठाकुर और रंजीत ठाकुर, सज्जू ठाकुर, सौरभ कुमार, सचिन कुमार, संदीप कुमार। कितने लोग मारपीट करने के लिए आए थे? लगभग वो लोग 11-12 आदमी थे। तुम लोग कितने थे? हम लोग तो 4 आदमी थे। क्या हुआ, थाना गए थे? थाना गए थे। क्या बताया थाना ने? थाना बोला कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, जाओ एप्लीकेशन ले लिया। हॉस्पिटल में टाका वगैरह भी लगा है? हाँ। किसको लगा टाका? पापा को लगे है 6-7 को, और मम्मी को 2-3 हुए। पापा का नाम क्या है? राजकुमार ठाकुर। मम्मी का नाम? रुक्मिणी देवी। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। रुक्मिणी देवी। क्या हुआ, कौन गांव है रुक्मिणी देवी? ये धमना। क्या हुआ था, कुछ विवाद हुआ है? क्या विवाद? यही हुआ, पटरा लाने गया है, बच्चा बुतरू के सबको मारपीट करने लगा है। हम तो काम कर रहा है, इधर से हम दौड़े हैं तो देखे हैं सबको मारकर गिरा दिया है। किसको किसको मारे गिरा दिया? हम लोगों का लड़का मारे हैं, पति को मारे हैं, पूरा ईंटा पत्थर से रड से एकदम मारकर गिरा दिए हैं पूरा। कौन मारा? रंजीत ठाकुर, संतोष ठाकुर, सरजू ठाकुर, सरबजीत ठाकुर। किस बात से मारपीट हुई है? पटरा लाने गया है, मिस्त्री आया है, कहे काम करेंगे, इसे पटरा खाली बाहर करते हैं रोड पर, बस घिच घिच के मारने लगा गलिया के कारण से। कौन गली? यही थोड़ा सा गली है 1.5 फीट का, इसी का गली छाजा इसमें हमरा है। इस गली के बारे में बोल रहे जो दिखाई दे रहा सामने से? हाँ, छाजा इसको हमरा है। नाम बोलो। रोशन कुमार। क्या हुआ था? गली से पटरा लेकर आ रहे थे, वो लोग आया, मना किया कि नहीं जाने देंगे, ये गली मेरा है। हम लोग मना किए तो वो लोग मारना पीटना शुरू कर दिए। कौन सी गली तुम्हारी है? कौन सी गली उसकी है? कौन किस गली पर विवाद हो रहा है? गली सामने से है सर, 1.5 फीट का गली है, वो लोग अपना घर बना चुका है, गली मेरा है, हमारा छज्जा भी उसमें है। ये गली किसकी है? मेरा है। तो वो लोग विवाद क्यों कर रहे हैं? वो लोग झूठे कहता है मेरा है, जबकि गाँव वाला लोग पंचायत कर दिया है कि छज्जा से इधर आप लोग रहिए और उधर वो लोग रहेंगे। मारपीट किसने किसने की? संतोष कुमार ठाकुर और रंजीत ठाकुर, सज्जू ठाकुर, सौरभ कुमार, सचिन कुमार, संदीप कुमार। कितने लोग मारपीट करने के लिए आए थे? लगभग वो लोग 11-12 आदमी थे। तुम लोग कितने थे? हम लोग तो 4 आदमी थे। क्या हुआ, थाना गए थे? थाना गए थे। क्या बताया थाना ने? थाना बोला कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, जाओ एप्लीकेशन ले लिया। हॉस्पिटल में टाका वगैरह भी लगा है? हाँ। किसको लगा टाका? पापा को लगे है 6-7 को, और मम्मी को 2-3 हुए। पापा का नाम क्या है? राजकुमार ठाकुर। मम्मी का नाम? रुक्मिणी देवी। क्या हुआ था, जमीन का विवाद क्या हुआ था? जमीन सर 2.75 डिसमिल खसरा जमीन है, यानी कि मजरुआ जमीन सरकार का संपत्ति है।
तो उस समय तो हम लोग उधर से आते जाते थे, लेकिन जब ये लोग जत्था में आके दमंगता से दिखा के सर वो मकान बनाने लगा तो हम बेबस हो गए, लाचार हो गए। इसीलिए कहें कुछ नहीं, जबकि एप्लीकेशन हम दे चुके हैं सब जगह, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो दमंगता तो बना लिया, हम सिलेंडर हो गए डर से। कैसे मालूम है ये जुड़वा ज़मीन है? जी सर, नक्शा थी, नक्शा से सी ओ साहब रिपोर्ट किए हैं। सी ओ साहब भी रिपोर्ट किए हैं। सी ओ साहब क्या रिपोर्ट किए हैं? सी ओ साहब रिपोर्ट को कि ये ज़मीन पे खसरा है। अच्छा, तो मकान कैसे बनाया? मकान वो लोग ज़बरदस्ती बनाया पूरा, मतलब कि पूरा आदमी मिल के सब, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। चार पांच आदमी हम लोग है ही एक फैमिली में, तो हम लोग क्या करते। तो वो लोग मेरा छजा छोड़ के बना लिया, जना लिया, तो वो ज़मीन से हमको कोई मतलब ना है। हम लोग जो ज़मीन बचा उसमें आते जाते हैं, उसमें मना करता है, वही मना करने के कारण झगड़ा होता है। नाम बताओ, क्या नाम है? राजकुमार ठाकुर। कौन सा गाँव है ये? धमना। क्या बात हुआ था? बात यही था सर कि हम गए काम कराने के लिए, मिस्त्री लाए थे, मिस्त्री कहा पटरा लेते चलो, तो हम लेके आ रहे थे। उसमें जो आ रहे थे तो बल जी अंदर कर रहे थे, दो तीन पटरा अंदर किए थे, दो को बचा हुआ था उसको ले आए। तो वो जो आया कहा इस गली से नहीं जाने देंगे, इसी कारण थे। तो हाँ, सब जठा में था, सड़ा सा मारना शुरू कर दिया। कौन मारा? रंजीत ठाकुर, सरजू ठाकुर, संतोष ठाकुर, रंजीत ठाकुर, सर्वजीत ठाकुर, शोभा देवी। कितने आदमी थे वो लोग? वो लोग करीब 11 आदमी थे। 11 आदमी। कौन सा पटरा, क्या चीज के लिए पटरा ला रहे थे? सेंटिंग करने के लिए। किस चीज की सेंटिंग करना चाह रहे थे? घर वाला। इसी के लिए विवाद हो रहा था क्या? जी। किस चीज का विवाद था? विवाद तो कुछ नहीं था, यही पटरा पार करने का विवाद हुआ। किसको किसको चोट लगी है? राजकुमार ठाकुर, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी कौन है? पत्नी। कहाँ है? सामने। इसको भी चोट लगा है? जी। नाम बोलो अपना। राजनंदिनी कुमार। क्या बात राजनंदी? यही हम खाना बना रहे थे, पापा भैया लोग सब पटरा नहाने गए थे, यही घर के विवाद के ढलाई करने के लिए। वह दो तीन पटरा पापा और मम्मी से बितर किया, और उधर से बस सावर और खंती लेकर तैयार हो गया, भाला भाला ले तरबार व्यवहार लेके। कौन तैयार हो गया? संतोष ठाकुर, रंजीत ठाकुर, सरजीत ठाकुर, संदीप कुमार, रंजीत कुमार, और सौरभ कुमार, सचिन कुमार। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद पापा सबको मार बैठा, पापा मम्मी को सबको मार के गिरे थे। नाम बोलो, क्या नाम है? नाम शोभा देवी। क्या नाम, पति का नाम क्या है? रंजीत ठाकुर। कहाँ घर है? धामना। क्या हुआ था, कुछ विवाद हुआ जमीन का? हाँ। क्या विवाद है? विवाद था सर यही गली का, जगह जमीन का। वो जमीन की गली जो है, वो जमीन किसकी है? गली वाली जमीन मेरा है सर। और वो लोग कह रहे हैं कि हमारी है? ना सर, सब झूठ है, मेरा है सर, सब मेरा है। खाली बोलने गए थे काम, बस इतने में ढेला पत्थर रड उड चावल उबल से सब के ऊपर बार करने लगा, सब के ऊपर रगेद रगेद के मारा सर, ढेला पत्थर से पूरा घर भर दिया। किसको किसको चोट लगी है? चोट लगा है मेरा पति को, मेरे सास को, दोनों हाथ टूट गया है, मेरा पति का आँख फोड़ दिया है, कपार फाड़ दिया। क्या नाम है पति का? रंजीत ठाकुर। हाथ तोड़ दिया है बड़े भैया को भी, कि पखुरवा। कौन मारा है? पार फाड़ दिया है। कारू ठाकुर, बंटी कुमार, राकेश कुमार, संगम कुमार, शुभम कुमार। ये सब कौन है? ये सब नंदिनी कुमारी, कारू ठाकुर का कि पत्नी। नाम बोलो। रुपेश कुमार। क्या बात है रुपेश? हम लोग इधर पटरा लेके आ रहा था, हम अपने दरवाजे पे खड़े थे, भैया और पापा पटरा लेके आ रहा था, तो हम दो अंदर कर रहे थे, सब सामान अभी यहाँ पे दो चार रखा था। तब तक ले वो लोग पूरा फैमिली आया, बोलता इधर से जाने नहीं दूंगा, ये बोला हमारा रास्ता है, हम लोग इसे देख जाते जाते हैं, बोलता इधर से कोई गाली देने लगा, बेंच और मतलब किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, और इतने में बात बढ़ गया, ईटा पत्थर चलाना चालू कर दिया, दोनों तरफ से मारपीट हो गया। इसी में किसको किसको चोट लगी इधर से? इधर से पूरी तरह से घायल है मेरा पिताजी और माता जी, मेरे भाई को भी चोट लगा, मेरे को भी सर में चोट लगा, मगर ब्लड नहीं निकला है, वो पूरा मेरा माथा हमेशा दर्द कर रहा है अभी 24 घंटे से, मेरा आराम नहीं है, और पटक के फेट में मारा, पेट में मारा है, मतलब मेरे को अंदर से मार मारा है। कौन कौन मारा? मेरे को मारा है संतोष ठाकुर, उसकी पत्नी, और रंजीत ठाकुर, और ये बाकी ये लोग सब पापा लोग भैया लोग पर मारपीट कर रहा था पूरी फैमिली मिलकर। Thank you.